हलवाई जैसे रसीली और कुरकुरी जलेबी आज हम लोग घर में बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि इस जलेबी में मैंने इनो नहीं डाला है और ना ही मैंने कोई फूड कलर और चावल के आटे डाले हैं। सिर्फ मैदे से हम इस जलेबी को बनाएंगे, एकदम कुरकुरी और अंदर से रसीली। बस आपको एक छोटा सा ट्रिक फॉलो करना है जिससे आपकी जलेबी एकदम परफेक्ट बनेगी पहली बार में ही। तो चलिए आज की बहुत ही सिंपल और कुरकुरी जलेबी बनाना शुरू करते हैं। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले खमीर बनाते हैं। तो खमीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है। वजन में देखें तो यह 100 ग्राम है और बराबर मात्रा में पानी डालेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना हो। तो देखिए, यहाँ पे मैदा थोड़ा थिक लग रहा है तो आधा कप पानी और ऐड करेंगे। हलवाई लोग भी जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले खमीर बनाते हैं। खमीर से जलेबी में थोड़ा सा खट्टापन आता है। तो देखिए, मैदे को मैंने यहाँ पे घोल लिया है। इसी तरह का घोल चाहिए मैदे का। तो अब इसे रेस्ट होने देंगे 24 से 72 घंटे के लिए। मैंने इसे 24 घंटे के लिए छोड़ा है और यहाँ पे देखिए खमीर बनकर तैयार है। तो इसे एक बार अच्छे से फेंट लेंगे। हाथों से ही जलेबी का बैटर बनाएं जिससे जलेबी का बैटर बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसमें ऐड कर देंगे 3 चम्मच मैदा और वापस से इसे मिलाएंगे जिससे इसमें कोई भी गुठलियां और लम्स ना रहें। तो देखिए, इसी तरह बराबर हाथों को चलाते हुए इसे फेंट लेंगे। बैटर थोड़ा पतला लग रहा है तो 1 चम्मच मैदा और ऐड करेंगे और वापस से इसे मिला लेंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा पहले और 4 चम्मच मैदा बाद में ऐड किए हैं। तो टोटल मैंने 150 ग्राम मैदा जलेबी के लिए लिए हैं। तो देखिए, यहाँ पे बैटर बहुत ही परफेक्ट है। इसी तरह का हमें चाहिए। जब इसे हम ऊपर से गिराएं तो यह रिबन फॉर्म में होना चाहिए। आपको देख कर समझ में आ रहे होंगे। तो इसे साइड में रख कर पहले चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए 1 कप चीनी लेंगे और 1 कप पानी, और इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे 2 छोटी इलायची और केसर। केसर से कलर बहुत अच्छे आएंगे जलेबियाँ का, तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में केसर को डालें। 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनाएंगे। इसे चिपचिपा होने तक पकाएंगे जब तक कि यह ऑयली फॉर्म में ना हो जाए। तो देखिए, चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है। तो कुछ सेकेंड के लिए और पकने दें जिससे यह अच्छे से चिपचिपे हो जाएंगे। जैसे हम लोग गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं, ठीक उसी तरह से इसकी चाशनी चाहिए। जब आप इसे टच करेंगे तो यह ऑयल जैसे चिकना लगेंगे और थोड़ा सा चिपचिपा लगेंगे। बस यहाँ पे चाशनी बनकर तैयार है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। दूध की थैली इजली मिल जाती है घर में, तो यहाँ पे मैंने दूध की थैली लिए हैं और इसमें बैटर को डालेंगे। तो देखिए, इस तरह से इसमें बैटर को डालें तो यह इजली चले जाते हैं। आपके साइड इसे क्या कहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसे रबर से सील कर देंगे। तो देखिए, अब यह रेडी हो गया है। तो इसके नोक को थोड़ा सा कैंची से कट कर देंगे और कट करके इस तरह बैटर को थोड़ा सा गिराकर चेक कर लें कि वह अच्छे से गिर रहे हैं या नहीं। तो मैंने फ्लैट सरफेस के पैन में ऑयल को गर्म होने रखे हैं। ऑयल को मीडियम गर्म रहने दें और बैटर को दबाएंगे और हल्के हाथों इसे घुमाते जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से जलेबियाँ बन जाती है। देखिए इस तरह। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपकी जलेबियाँ भी इसी तरह बन जाएंगी। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप यकीन मानिए, यह बहुत ही इजीली बन जाती है। जब यह एक साइड फ्राई हो जाएंगे तो यह ऑयल में तैरने लगेंगे। तो उसी स्टेज पे इसे पलट देंगे और दूसरी साइड भी इसे फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड जब यह क्रिस्पी हो जाए तो इसे ऑयल से निकाल लेंगे। तो देखिए, जलेबियाँ यहाँ पर क्रिस्पी हो गए हैं तो इसे मैं निकाल ले रही हूँ। और अब इसे चाशनी में डिप करेंगे। चाशनी को गुनगुना रहने दें। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो इसे हल्का सा गुनगुना कर लें
तभी जब गर्मा गर्म जलेबी गुनगुने चाशनी में जाएंगे तो वह रस अच्छे से पियेंगे। और 2 मिनट के लिए इसी तरह इसमें रहने दें और 2 मिनट के बाद इसे निकाल लें, नहीं तो जलेबी सौगी हो जाती है। तो 2 मिनट हो गए हैं, अब इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बिना फूड कलर के ही जलेबी का कलर कितना अच्छा आया है। तो सारी जलेबियों को निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से इसी तरह सभी को बना लेंगे। यहाँ पे मैंने सारी जलेबियाँ बनाकर तैयार कर लिए हैं और यह जलेबी ऊपर से कुरकुरी और अंदर से एकदम रसीली बनी है। तो फ्रेंड्स आपको यह ऑथेंटिक जलेबी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ट्राई करने के बाद अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।